चलिए आज एगो भगवान एगो अढ़ैया के कथा सुनावत नहीं भोजपुरी में। कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें। एगो किसान रहलन, तो किसान के तीन गो लड़का रहे, दू जना तो काम धंधा करे लो, आ जिन बहुत ढेर खास 2.5 किलो खास एक बेर 2.5 सेर, उनका नाम पड़ गल अढ़ैया। केहू उनका के अढ़ैये के नाम से चल करे, उनका तीनों बेरा चाहिए 2.5 सेर खाना, आ काम धंधा कुछ ना करस। तो किसान तो जितना दिन जिंदा रहलन उतना दिन तो खियौलन, आ मर गइलन ओकरा बाद तो उनका के भाई भौजाई कहे कि काम कर, 2.5 सेर खइब काम ना करब, आ कोनो काम ना करस, खा ले से खा के सुत जास, के नहीं घूमे चल जास। तो ये करते करते कुछ दिन बीत गल, आ रोज भाई भौजाई उनकर कहे कि तू काम कर ना तो तार खाना बंद हो जाए। तो लास्ट में भाई भौजाई उनकरा के छोड़ दिल, खाना ना दिल। तब वो एक दिन घर से निकल गइलन, कुछ दूर जात 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 गइलन, तो एगो साधु संत के मठिया रहे, वही में साधु संत रहत रहे, तो वही मठियावा में जाके बैठलन। तो एगो साधु बाबा निकलन में से संत, तब पूछा कहलन कि ए बेटा तू हे जा काहे बैठल बार। तब अपन कहानी बतावलन कि बाप मतारी तो मर गइल बा, आ भाई भौजाई हमरा के घर से निकाल देले बा। पूछलन संत की तार का नाम है, तो बतौलन अढ़ैया। उनका 2.5 सेर खास से उनका नाम पड़ गए अढ़ैया। तो संत बाबा से बतौलन कि हमारा नाम है अढ़ैया। अढ़ैया से पूछलन संत बाबा कि ए बेटा तू कुछ काम धंधा जाने लो। तो अढ़ैया तो कहलन कि ना हम तो कुछ काम धंधा ना जाने नहीं, तो यही मठिया में तू रह, काम धंधा कुछ करी हो, आ यही में रह, खाना खाई हो रह। तो अढ़ैया कहस पूछस कि ए बाबा तीनों बेरा खाना मिली नहीं, उनका तो खोने के चिंता रहे, जहाँ रह तहाँ खोने के चिंता रहे। तो संत बाबा कहलन, साधु संत बाबा कि हाँ तीनों बेरा खाना मिली, खाना के कोनो चिंता नहीं है, जब भंडारा चलेला भर पेट खाना खाई है तीनों बेरा, आ काम कुछ करी हो। तो कहलन कि हमसे तो काम ना होला। तो साधु बाबा कहलन कि तू गाय के चरई हो आ खड़ा रही हो। तब कहलन कि हाँ आतना तो हो जाए। तो गाय सन के चरावस मठिया में, आ खड़ा रहस गाय सन के सेवा करस, उतने भाव करस जब भंडारा होके, तो अपन खाना खा ले, आ खा के फिर अपना काम में लग जास। वही करते करते एक दिन एकादशी आ गए। एकादशी के दिन तो मठिया में संत लोग खाना ना खा ला, उपवास करेला, वो दिन चूल्हा ना जरेला। तो सवेरे गएलन खाना रसोईया के लगे, खाना खाई खाती भंडारा में। तो रसोईया तो कहता खाना नहीं खे बनल आज के, आज के तो भंडारा ना हुई, आज के एकादशी हवे, तो आज के चूल्हा ना जरी, आज के खाना ना बन। तब तो उनका बिना खले रहले ना जा अढ़ैया के। तो फिर जाके संत बाबा से कहलन, ए बाबा रसोईया कहता कि आज के भंडारा ना हुई, आज के चूल्हा ना जरी, तो हमरा से तो बिना खले ना रहिए। तो कहलन संत बाबा कि तू का कर, जाके रसोईया से बोली हा कि जितना तहरा खुराकी लागी उतना तरह के दाल चाउर आटा मर मसाला सब दे दे, आ तू ले जाके नदी के किनारे बनई हा, आ बना के पहले खई हा जौन, पहले भगवान के भोग लगई हा, ओकरा बाद खई हा। वो तो भगवान के भोग लगावल देखले ना रहलन। अब संत बाबा कह देलन तो जाके वो रसोईया से दाल चाउर आटा सब मर मसाला मंगलन, आ मांग के
चल गल नदी के किनारे ओहिजा चूल्हा बार के ईटा के बनावलन खाना बनावलन अपने खाए के आगे संत बाबा कहले लन गुरु बाबा तो कहलन कि पहले भगवान के खाना भोग लगा के तब तू खाई हो तो भगवान के तब भोग लगावल कोई देखले ना रहलन भोग केंग लागेला वो तो खाना बना दहलन छिपा में काट दहलन आ काट के कहतरन फिर राजा राम आइए सीता साथ लाइए मेरे भोजन को भोग लगा जाइए यही भूख सवेरे से खाना बनावल उनकर शाम हो गए भूकत भूकत शाम हो गए तब तो भगवान जी राम जी का कहने कि अब तो ना गईले ये तो अढ़ैया खाना खाई ना आई तो दिन भर भूकते बा कि राजा राम आइए सीता साथ लाइए मेरे भोजन को भोग लगा जाइए हार पाच के भगवान जी ओने राम जी ऐनी सीता जी ऐनी लक्ष्मण जी ऐनी आ बजरंग बली ऐनी ये चार आदमी आई आया के खाना खैल तो अढ़ैया के तो खाना उड़ा गए सब अढ़ैया तो खाना खैलन ना तो राम जी से कहता रन कि हम तो दू आदमी के बोलावत रहनी हाँ और अब चार आदमी के लेके ऐनी तो हमार तो खाना उड़ा गए तो भगवान जी हंसत तनी बोल कि देखो हे कर राम जी मन मन मुस्कातने ये भक्त के देखो जाके संत बाबा से कहला अढ़ैया कि राम जी तो चार आदमी के साथ है ओनी है राम जी ओनी है सीता जी ओनी है लक्ष्मण जी ओनी है बजरंग बली ओनी है कि सब आदमी ओनी है लो आया के भोजन कोई हलो तो संत बाबा के साधु बाबा के तो विश्वास ना होत रहे आ जाके रसोईया से कहला एक आदमी के तो दे रहा था पांच आदमी की आके खोलक अब कि तू दस आदमी के खुराकी दी हो दस आदमी के खुराकी ले ला और लेके जाके बनवल फेन एकादशी के दिन कोनो एकादशी के दिन तो आश्रम में मठिया में खाना ना बनेला चूल्हा ना जरेला राशन लेके आ फेन गैलन अढ़ैया नदी के किनारे फेन खाना बनावलन खाना बना के फेन बोलावतन राम जी के कि राजा राम आइए सीता साथ लाइए मेरे भोजन को भोग लगा जाइए यही भूकस हर में सब भूकत रही कि राजा राम आइए सीता साथ लाइए लक्ष्मण साथ लाइए बजरंग बली साथ लाइए मेरे भोजन को भोग लगा जाइए कहत रहलन तले अब की तो राम जी सब आदमी के राम जी ऐनी सीता जी ऐनी लक्ष्मण जी ऐनी बजरंग बली ऐनी बजरंग बली ऐनी भरत जी ऐनी लक्ष्मण जी ऐनी उनकर तीनों माता लोग अलग तब तो देख के अढ़ैया तो और घबरा गए कि चार आदमी के बोलावत नहीं तो हाँ आठ आदमी आवत है पूरा अपन गोष्ठी लेके आवत रह अढ़ैया जाके फिर संत बाबा से कहल तो संत बाबा कहलक लोग का करता सब रसानवा ले जाके तो आकि कहत कि भगवान जी आवतनी आ खाना खा के जातनी तो फिर तीसरका एक एकादशी के दिन फिर रसोईया से उ बारह आदमी के खाना मंगलक आ फिर जाके अढ़ैया नदी के किनारे फिर खाना बनावत रहन आ फिर बोलावत रहन कि राजा राम आइए सीता साथ लाइए लक्ष्मण साथ लाइए बजरंगबली साथ लाइए रे भोजन को भोग लगा जाइए तो राम जी अब की पूरा अपन दौले लेके चलावत हैं खाना खाए अपन तीनों माता के भाई के अपन परिवार जितना
हित समाजी रहे सब केहू के लेके चलाओ जानी आ लुका के संत बाबा लोग देखत रहे कि झूठ बोलता कि सांच बोलता। तो सांच में सब लोग आके खाना खात रहे तो संत बाबा देख के बहुत खुशी भइल कि हमने के अतना पूजा पाठ कैनी सन तो हमने के भगवान कहियो दर्शन ना देने आई अढ़ैया के भगवान जी दर्शन दे देने। अढ़ैया साचा मन से भगवान जी के बुलावत रहे ना खात रहे बिना भोग लगौले अढ़ैया खाना ना खैल सवेरे से शाम हो गए तो हाल पच के भगवान जी के आवे के पड़ल। साचा भक्ति रही तो भगवान जी जरूर आए। यही जब कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल के सब्सक्राइब करें।